अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अकीमज़ा शाहिद। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत दिन तक गैर हाज़िरी रही, माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से। कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका, तो इंशाल्लाह आपसे कोशिश होगी कि रेगुलर तरीके से वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। तो नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो एक ऐसे टॉनिक के हवाले से है कि तमाम चीज़ों पे वो वर्क करेगा। मींस अगर हम कहें कि जिस्मानी कमज़ोरी, तो उस पे भी उसका अच्छा वर्क होगा उस नुस्खा का। अगर हम कहें कि मर्दाना कमज़ोरी, तो उस पर भी बड़ा बेहतरीन काम करेगा। और अगर हम कहें कि जिस्म मतलब पतला है, कमज़ोर है, अगर उसको मोटा करना चाह रहे हैं, फरबा करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों को शुगर है वो लोग भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको शुगर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को तमाम बीमारियों से महफूज रखे। ये मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआ है। तो उन लोगों के लिए जिनको शुगर नहीं है, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत कारामद साबित होने वाला है। अब जिस्मानी कमज़ोरी और ये तमाम चीज़ें क्यों हो जाती हैं, इस पर बहुत सारी वीडियोस पहले मौजूद हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ज़्यादा तफसील में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों की हमेशा यही बात होती है कि बस नुस्खा दिया करें और आप स्क्रीन से गायब हो जाया करें। तो अब नुस्खा की तरफ ही चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होती है कि अब हमारे दो चैनल हो गए हैं। एक चैनल लाहौरी दवाखाना यूट्यूब चैनल जो है, जिसपे सरबंद अद्वियात के बारे में मालूमात दी जाती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। और अगर इस चैनल को भी अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो बड़ी आम नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत अच्छे से उन्हें जानते भी होंगे। वो टोटल चार चीज़ें हैं। और अगर हम बात कर लें कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो नंबर एक पे हमें चाहिए होगा सिंघाड़ा खुश्क, और नंबर दो पे अगर हम बात कर लें तो हमें चाहिए होगा पम्बा दाना। पम्बा दाना कहते हैं कपास के बीज को। और तीसरे नंबर पर हमें चाहिए होगा तमर हिंदी, जिसको मगज बनौला भी कहते हैं, और उसी को ही जो है पम्बा दाना कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए होगा तमर हिंदी, और चौथे नंबर पर जो हमें चीज़ चाहिए, आप लोग एक बार सुन के ज़रूर परेशान होंगे लेकिन नुस्खा है उसमें वो चीज़ डलेगी। तो चौथे नंबर पर हमें चाहिए होगा चोकर। जी हाँ, चोकर। आप लोग चोकर का नाम सुन के परेशान हो जाएंगे कि ये तो जानवर इस्तेमाल करते हैं, तो इंसान भी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि चोकर जो होता है ये गंदम का छिलका होता है, जो ऊपर से उसके छिलका उतरता है उसको चोकर कहा जाता है। और इसमें इतने विटामिन्स पाए जाते हैं, इतने इसके फ़वाद हैं कि हम लोग इसको ज़ाया कर देते हैं। जबकि पिछले वक्तों में जो हमारे बुज़ुर्ग गुजरे हैं वो बग़ैर छना आटा इस्तेमाल किया करते थे, और मोटी चक्की का आटा होता था, मोटा आटा वो पीसते थे। इसी वजह से उनमें बहुत सारी पावर और ताकत मौजूद होती थी कि बुढ़ापे में भी वो लोग मतलब खेतों में काम किया करते थे, कस्सी का इस्तेमाल किया करते थे, और वो खालों में पानी की आमदोरफ्त उसको बनाना, मतलब बहुत सारा उनका वर्क होता था, लेकिन वो थकते नहीं थे। आखिर क्या वजह थी? तो वजह यही थी कि उनकी खुराक में जो चीज़ें हम छोड़ चुके हैं वो चीज़ें वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। अब बात कहीं और निकल गई, हम नुस्खा की जो वज़न है उसकी बात कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नंबर एक पे जो चीज़ हमें बताई गई थी सिंघाड़ा खुश्क जो था, वो हम लेंगे 200 ग्राम। ये वज़न मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, आप लोग इसको हाफ भी कर सकते हैं, चौथा हिस्सा भी कर सकते हैं। तो वज़न हम जो ले रहे हैं, सिंघाड़ा हम ले रहे हैं 200 ग्राम, पम्बा दाना हम ले रहे हैं 200 ग्राम, आप चाहें तो 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं, बल्कि मैं आपको 50 ग्राम के हिसाब से बता देता हूं आपकी आसानी के लिए। सिंघाड़ा हम लेंगे 50 ग्राम, पम्बा दाना हम लेंगे 50 ग्राम, और तमर हिंदी का जो अंदर का मगज होता है वो हम लेंगे 50 ग्राम। अगर आप इसको साबित देखेंगे तो ये पूरा खोल होता है, खोल के अंदर मगज होता है। तो आप लोगों ने बाज़ार से 100 ग्राम लेनी है, आप जब आप उसको तोड़ लेंगे तो अंदर से जो उसके मगज निकलेंगे वो 50 ग्राम निकलेंगे। और नंबर चार पे जो चीज़ चोकर है, ये हमने लेना है 50 ग्राम। अब आपने क्या करना है, सिंघाड़ा, पम्बा दाना और तमर हिंदी का जो मगज होगा, इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। जब आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे
तब आपने इसमें चोकर को शामिल करना है। बिल्कुल भी आपने चोकर को पीसना नहीं है, चोकर को वैसे ही शामिल कर देना है। अब ये हमारा नुस्खा जो है ये तैयार हो जाएगा। अब मैंने शुरू में बोला था कि शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बग़ैर शुगर वालों के लिए इसमें एक इजाफी चीज़ हम डालेंगे, वो है खालिस शहद। खालिस शहद हम इस्तेमाल करेंगे इस नुस्खा में। 50 ग्राम के हिसाब से हम इसमें खालिस शहद डालेंगे। 200 ग्राम मतलब एक पाव खालिस शहद ले लेंगे, और ये नुस्खा जो मैंने 50 ग्राम के हिसाब से बताया है इसका हम बना लेंगे माजून, जिनको शुगर नहीं है। और शुगर वाले जो हजरात हैं वो शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सफूफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट नुस्खा। अब हम बात करेंगे इसकी इस्तेमाल की कि इसकी मकदार खुराक क्या रखनी है। तो मकदार खुराक जो है इसकी एक चाय वाला चम्मच है सुबह खाली पेट, और एक चाय वाला चम्मच ही शाम को खाली पेट, मतलब कि असर की नमाज के दौरान में ले लें, बाद में ले लें, पहले ले लें। ये हमने दो वक्त इसको इस्तेमाल करना है। तकरीबन 5 से 7 ग्राम सुबह का बनेगा, 5 से 7 ग्राम जो है वो शाम में इस्तेमाल करना है। और इसको आप एक माह इस्तेमाल करें, एक माह के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको इतने इसके फवाइद नज़र आएंगे कि बहुत बड़े बड़े नुस्खाजात जो हैं वो ये नुस्खा उनको पीछे छोड़ देगा। तो लाजमी आप लोगों ने इसको बनाकर इस्तेमाल करना है, और इसको तकरीबन हर मिजाज वाला ही इस्तेमाल कर सकता है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे इससे फ़वाइद हासिल होंगे। तो जैसे ही आप सेहतयाब हों तो मुझे अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और आखिरी बात भूलना नहीं है, लाहौरी दवाखाना यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।